वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज ने सिख जगत नू जेड़ा सिद्धांत बख्शिया है, काल खाए किस हथों दे नानक राह पछाणे से। ये सिख जगत दे अंदर किरत दा नाम दे नाल आगाज कीता, किरत करन दा हुकम कीता भी आप भी किरत करके छकना है, ते नाल 20 रुपया दे नाल लंगर दी प्रथा शुरू कीती भी तेरे इर्द गिर्द भी कोई भुखा ना रवे। उसे सिद्धांत ते चलदियां ही जेड़ा सिख जगत है 99% तकरीबन एक किसानी करते ने, पर जेड़ा भारत वर्ष का कानून है जो कि समय की जेड़ी सरकार है किसान वीरां दा खुरा खोज मिटाउण दे लई ये भारत की सरकार ने 3 कानून जेड़े लागू किए, उहदे नाल आप सारे किसान वीर रूबरू हो ही चुके हो। और ये गूंगी बोली सरकार दे ताई जदों तकरीबन 25-26 नवंबर 2020 नूं किसानां ने आवाज़ पहुँचाउण दे लई दिल्ली वल नूं कूच कीता, ते इन्हां लोकां ने सरकार ने गंदे पाणी दीआं बौछाड़ां कीतीआं, इन्हां ने इन्हां किसानां दे उत्ते जुल्मों सितम ढाए और उल्टा गुरु नानक साहिब दी महान मर्यादा नूं पीरी दे सिधांत नूं लागू रखदिआं सिपाहियां नूं पुलिस नूं धक्को जोरी करन वालियां नूं भी इन्हां ने लंगर छका के चढ़दी कला दे नाल सिख जगत दे सिधांत तों जाणू करवाया। ये कला किसान वीरां दा ही संघर्ष नहीं है, मैं एक कानून ते 2 मिनट बोल दवां। देखो जिहड़े 3 किसान मारू कानून ने, एक दे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जिहदे नाल इह पैली साडी खोणगे, दूसरा जिहड़ा कानून है जिन्नी मर्जी तुसीं स्टोरेज कर लवो जमा कर लवो और बाद दे विच जिहड़ा रॉ मटीरियल है महंगे भाव विचों, इहदे नाल चाहे कोई मिडल क्लास है चाहे कोई दुकानदार है चाहे कोई किसान है दिहाड़ी दप्पे वाला है, इहदा इफेक्ट इहनां सारिआं दे उपर पवेगा। ये जेड़ा जरूरी साजो समान है ये जेड़ी सोध हुई है कानून विच, इहदे विच 2 तरह दीआं गुड्स आउंदीआं ने, पैरिशेबल नॉन पैरिशेबल। पैरिशेबल वो ने जो छेती खराब हो जाते हैं जिवें आलू गंढे ने, नॉन पैरिशेबल वो खाण पीण दा समान जेड़ा जल्दी खराब नहीं हुंदा। हुण होवेगा कि इस कानून दे विच सरकार ने लागू किया है भी जे कोई जेड़ा कारपोरेट घराणा है आलू गंढे स्टोर करे, गंढियां दा भाव मान लो 100 रुपये है मार्केट विच, जे ओ 200 रुपये नूं वेचेगा 100% 100% वधा के, ते फिर सरकार दखल अंदाजी करेगी भी ये गलत हो रहा है, ते जे 100% दी जगह ते 99% ही मुल वधावेगा ते सरकार दखल नहीं देगी। अच्छा 100% मुल क्यों वधाउणगे कारपोरेट घराणे, जिहड़ी चीज 100 दी है तुहानूं 199 दी वेचणगे सरकार दे लौ तों बचण दे लई। हुण हर चीज दुगणे भाअ ते इत्थे विकेगी, अजोके समें विच इह कानून क्यों लिआउणा पिआ, मेरी गल दा ख्याल रखिओ। इकोनॉमिकली जिहड़ी दुनिया है वह गरीबी वल नूं जा रही है, जंगां जुद्दां च पैसा बड़ा खर्च कर रहे ने देश, बिलियनस ऑफ डॉलर ला रहे ने, हुण मंदी चल रही है, कारां दा धंधा भी मठा पै गया है, हर कोई कारोबार मठा पै गया है। अच्छा मंदी होवे जां चंगा समां चलदा होवे रोटी खाणी कोई नहीं छड्डदा। ठीक है मेरे कोल आर्थिक तौर ते पैसा नहीं, मैं कार नहीं खरीदांगा सर जावेगा, पर रोटी बिना नहीं सरेगा चाहे कोई गरीब है अमीर है। ये जिन्नी भी मिडल क्लास है जिन्ने भी गरीब गुरबे ने जितने भी दिहाड़ीदार ने किसान ने ये एक गल नूं समझ लैण भी जदों हर चीज का दूना भा इन्हां नूं देना पिया इन्हां नूं समझ आवेगी भी किसान केवल अपने गिरेबान नूं बचाउण लई नहीं दिल्ली पहुंचे, समुचे भारत वर्ष के लोग जिहड़े 90% किसानी ते निर्भर करदे ने उन्हां दे लई आवाज़ बुलंद करन पहुंचे ने। जे ते वेखो 2 वक्त की रोटी केवल किसान खांदा है, दफ्तरां विच बहण वाले नहीं खांदे ते ना किसानां दा साथ दिओ, जे ते अमीर घराणा नोटां नूं खांदा है पैसे नूं खांदा है ते ना साथ दिओ। जिहड़ा नैशनल मीडिया है ये केवल सोशल मीडिया कवरेज दे रहा है, नैशनल मीडिया
अगर उन्होंने बच्चे रोटी नहीं खाते स्पीकर ही बड़बड़ खाते ने ते ना साथ देन, अगर दो वक्त की रोटी भारत वर्ष के लोग खाते ने ते समुचे भारत नूं किसानां दा साथ देना चाहिए है। रही अज की सरकार की गल परशियन दे फारसी दे गुरु गोबिंद दे ए शेर पढ़ के मैं फतेह बुलावा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा एक बोल है कहिंदे तू लख तख्तां दा मालक होवें पर सच दे अगे ये झूठे तख्त टिकदे नहीं। तू गर जबर आजज खराशी मुकुन कसम राबा तेशे तराशी मुकुन, तू गरीबा दा लहू कानून दी तलवार दे नाल अजोके समय दे हुक्मरान ना डोल। याद रखी जे ए तलवार उठा के तेरा लहू नहीं डोल सकदे इन्हां दी हार रब तक पहुंचेगी। ते रब दी तलवार दिखदी नहीं पर जदों फिरदी है खुरा खोज मिटा दिंदी है तख्तां दा। ते जे ए समझण इन्हां कोल लखां फौजां ने ते 26 नवंबर नूं इन्हां वेख ही लिया है भी फौजां खालसे अगे सिखां अगे नहीं टिकदियां। खालसे दा जोशो खरोश सी, अज हरियाणे दे वीर राजस्थान दे वीर चाहे कोई भी मजहब है कोई भी धर्म है रोटी हर एक खांदा है, सिखां दे मोढे नाल मोढा ला के चले हुए ने और सच दी सदा जित है। कलगीधर कहिंदे ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरश, खुदावंद बख्शिंदे ऐश अरश। परमात्मा सच्चियां दे वल है अरशां ते फरशां दे जेडे मालक ने पता कोई नहीं लगदा अरशां वालियां नूं ए फरशां ते सुट दिंदा है ते फरशां वालियां नूं तख्त बख्श दिंदा है। तकरीबन 50% ते ए आपां जेड़ा इत्थे धरना दिता है शांतमई समझ लो जित साडी झोली पै ही गई है। इसे तरह जोशो खरोश जारी रहा ते पंजाब नूं जित के मुड़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।